सोलह तुम गलत करते हैं लेकिन। तो गाइस चलिए देखते हैं अब्बा का गांव में दिन कैसा गुजर रहा था। यहाँ मैंने ना ट्रिमर निकाल लिया भाई, नहीं हाँ। बच्चे लोग हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस सुबह आप सब खैरियत से होंगे, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया था, बज गए थे मॉर्निंग के 10। तो बोला चलो भाई डायरेक्ट साइड पे चल के ही अपन ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पर हम लोग ने कल सीढ़ी मारे थे, वाली साइड नहीं है, दूसरी साइड जो इससे पहले आप लोगों को दिखा था जहाँ पर फोर सीलिंग हुई थी वहाँ पर। तो मैं और वसीम भाई ही यहाँ पर आए हैं। और क्या बोलते हैं मेरा भाई, माशाल्लाह। तो वसीम भाई यहाँ पर भाई टचअप कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए कुछ ऐसा ऊपर रूम था, मैं बोला था ना जब आप लोगों के ऊपर जाऊँगा तो दिखाऊँगा। तो ये देखिए कुछ ऐसा रूम है, ठीक है। यहाँ आगे ना सिर्फ एक चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगी, वैसे तो माशाल्लाह पूरा घर बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो ये लगाया ना क्या बोलते हैं कड़प्पा 1 2 3 4 5 6, ये बहुत बेहतरीन लगा है कि मस्त सामान वगैरह जो भी है रखने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाथरूम में भी रोज मस्त। अब चलिए चलते हैं, आप लोगों को मैं ऊपर दिखाता हूँ ऊपर का। इंशाल्लाह ये देखिए आजू बाजू में ब्लू कलर है और यहाँ पर इसी का कॉम्बिनेशन थोड़ा डार्क में है। और ये बैठने के लिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन बनाया, बैठेंगे अंदर सामान वामान रख सकते हैं आराम से मस्त। यहाँ पर हम लोगों को क्या काम करना पता है, हम लोगों को यहाँ पर ना सिर्फ ग्रिल सीढ़ी और जो टचअप वगैरह है बस वो सब ही करना है। वसीम भाई ने लाइट माल का टचअप कर दिया है, अब जा रहे हैं डार्क माल का टचअप करने के लिए। मैं यहाँ से ग्रिल मार दूँगा, ठीक है। हाँ हाँ ये चलो, ये तो जैसे ये ग्रिल वगैरह सीढ़ी है ना ये सब मारने कम्प्लीट करते तो आराम से बैठते हैं और यहाँ पर काम शुरू कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ पहले अंदर से हाथ डाल के, क्योंकि ये वाली गलती मैं नहीं करूँगा। कल वाली साइड में पता है गाइस क्या हुआ मेरे साथ में, देखा तो आप लोगों को कल मैटर ये हुआ, मैंने फटेली में ना अंदर से ही पूरा मार लिया, फिर बाहर से कैसा हाइट नहीं जा रही थी मेरी, हाथ भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए बहुत भारी पड़ा हुआ मारने के लिए। इसलिए जो कल देखे ना आप लोग कल के ब्लॉग में लकड़ी बांध के मैंने लंबा किया तो वही मैटर हो गया था। इस वजह से अपन आज ये गलती नहीं करेंगे, हाथ डाल के ना बाहर से टचअप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याली ग्रिल भी मार के हो गए हैं और अभी चलिए सीढ़ी फाइनल करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी पूरी सीढ़ी मार के हो चुकी है, आप सब देख सकते हैं। और बाकी जो ऊपर की जितनी भी ग्रिल थी ना सब कुछ हो गया। वसीम भाई ने अभी ये जो लंबी रैली है ना ये बांधने ले लिए हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग का खाना खाने का वक्त हो चुका है तो जा रहे हैं अभी हम लोग खाना खाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे मेरे कलेजे लोग। तो गाइस मैं आ गया घर पे और चलो पकड़ो गिलास, हाँ कलेजी हाँ पकड़ो गिलास, पकड़ो पकड़ो लो, तुम भी पीना भाई को भी देना, ठीक है पानी का बस बस जाओ तुम दोनों पियो, हाँ अरु पानी पी लेना तुम भी, ठीक है। और कैसे हो दोनों जन पहले मुझे बताओ, पहले तुम पियेंगे, ठीक है पहले तुम पी लो फिर इसको दे दो। हाँ रुको रुको देर, अल्लाह मेरा बच्चा जिद्दी बच्चा। फातिमा तुम कैसे हो, अच्छी हूं, पियो बैठ के पियो मेरा बच्चा, हाँ ऐसे बैठ के पियो मेरी जान, पियेंगे तो भाई को दे देना, ठीक है। अरु पानी पिए, पानी चाहिए, हाँ बेटा दे दे, मम्म दे रहे तुम्हारे, ठीक है हाँ दे रहे दे रहे दे, हाँ मम्म चाहिए, रुक जाओ बहन दे रहे हैं, हो गया पी के दे दो ना, ले लो फातिमा, ए आनान फातिमा से ले लो दे दो, वो चलेगा चलेगा दे दो, उतना ही चाहिए, हाँ दे दो। बस हो गया बेटा, इतना पी लेगा अरहन, बैठ के पियो अरु, हाँ बैठ के पियो, बिस्मिल्लाह बोल के पीना। अल्लाह पाक दोनों में ऐसी मोहब्बत रखे। तो गाइस हम लोग बैठे अभी खाना खाने के लिए, माशाल्लाह खाने में दाल चावल आलू की भाजी और अपना अंडा फ्राई। अरहन खाना खाएंगे ना साथ में, अरहन को भी लेके खा लेंगे, फातिमा खाना खाएंगे ना पक्का। तो चलिए गाइस हम लोग खाना खाने बैठे हैं, आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। और दाल की रेसिपी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोले थे देने के लिए, दाल की रेसिपी कब देंगे अम्मा,
ऐसा है क्या? पक्का ना? शादी वाली दाल एकदम सिंपल वाली है? हाँ शादी शादी, मसाले वाली नहीं, ठीक है? दोनों दे देंगे, जब वो बनाएंगे वो तब ये बनाएंगे, एकदम अच्छे से प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो चलिए गाइस चलते हैं वहाँ पर, काम कंटिन्यू करते हैं, और ना खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है। अब काम करना है ना? ऐसा लग रहा है नशे में हूँ मैं, एकदम नशे में हूँ। हाँ टेंशन मत लो, कोई किडनैप नहीं करेगा मेरे को। गाइस फुल नींद में काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत नींद आ रही है मेरे को, तो मैं आ गया हूँ दूसरे रूम में। मैं ना अभी ये वाली सीढ़ी ना खड़ी करके मार रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मतलब बिछी हुई थी ना, तो मारने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और कैसा कोई भी रूम देखने आ रहा है ना ऊपर, तो सीढ़ी हम लोग ने मार दिए हैं तो उसके ऊपर से चढ़ रहा उतर रहा है, तो हम लोग का कलर ख़राब हो रहा है, तो इसी वजह से भी मैंने इसको खड़ा कर दिया ताकि कोई ऊपर नीचे आ जाए ना और अपना काम पूरा कम्प्लीट हो जाए। उसके बाद ये मेरी सीढ़ी पूरी मार के हो गई है, तो अभी हम लोग दोनों मिल के ना ये बड़ी वाली रैली मार रहे हैं। गाइस आज का यहाँ पर हम लोग का काम ख़त्म हो गया, हम लोगों ने ना इतनी रैली मार दी है इतनी, और उस साइड से ना पीछे पीछे का हो गया और वो वाला भी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अभी आ गया कैसे मारने का है, और अभी 6:30 बज गए हैं, हमारे काम की छुट्टी हो गई है, चलिए चलते हैं घर पे, फिर यहाँ पर कल आके काम कंटिन्यू करते हैं जो छूटा हुआ है, ठीक है? और हम लोगों का सामान वगैरह देखो सब वहाँ पर रख दिया है, मस्त ढाक ढूक के चलना चलता हो, इतनी लंबी सीढ़ी, ठीक है? और ये जो कल नहीं बना था ना, यहाँ मिस्त्री लोग ने बना दिया, वो काम चालू है। और ये रूम में रहने आने वाले हैं क्योंकि इसमें कुरान खानी हो गई है, ठीक है? थोड़ा बहुत टचअप है इसमें भी, वो जाके कर देंगे, और सीढ़ी और अंदर की ग्रिल भी मारनी है। और क्या बोलते दोस्त, अब मज़ा है? छुट्टी हो गई, दिखा दिया मैंने, छुट्टी हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी अस्सलाम वालेकुम सबको। हेलो, मैं आते आते लेकर आ गया था 1.5 लीटर दूध और टोस्ट का पैकेट, क्या घर से के लिए खड़ा है करण जी। भाई चाय में डुबा के खाना ना बहुत मज़ा आती, पता ही है। करण जी बोलते थे, करण जी फिर क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ इसको, क्या हो गया, क्या हुआ इसको, क्या हुआ मैडम? अरे हाँ ए जान, क्या हुआ? हाँ गुद्दी छोके हो तो गए तुम, इसको कुछ तो भी चाहिए। अच्छा इसको दूध की बॉटल चाहिए क्या? सोलह तुम गलत करते हैं, लेकिन तुम ना, मैं तुम्हारे साथ में चाय पीना चाहता हूँ लेकिन तुम सिर्फ मेरे अकेले के लिए। थोड़ा रुक के पीऊंगी चाय। क्यों ऐसा? लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है। तो रोटी कब बनाएंगे? बनाएंगे ना, तो आज रोटी बनाएंगे भाई। अभी तक बाटला नहीं आया है, मैंने वही जो दोस्त से लिया था ना, तो वही मैंने जो दूसरे से लिया था ना वही बाटला अभी तक चल रहा है। मैंने उसको आज वापस फ़ोन किया था, अपने भाई को आज वापस मैंने फ़ोन किया था, तो बोले हैं कि भाई आज संडे थी तो हम लोग की काम की छुट्टी थी, तो इस वजह से मैं बोला भाई कल यहाँ से ला के दे दो यार, नहीं तो क्या दिक्कत हो जाएगी। इंसान सामने वाला भरोसे पे देता है ना अपने पैसे। तो चलो अपनी चाय बन के रेडी हो गए और यहाँ पे अपना ब्लॉग चल रहा है, और ये जो लेकर आया था ना करंजी, तो अपन करंजी कुछ तो ऐसा बोलते हैं यार, मेरे ना ध्यान से नहीं आ रहा। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, कैसा जब पहले हम लोग का नीचे रूम था ना, तो आजू बाजू के लिए जो भी लोग बनाते थे ना घर में, तो हम लोग ला के देते थे। अभी कैसा ऊपर माले पे हो गया ना, तो इसलिए किसी को मालूम नहीं पड़ रहा, तो अपना छोटे भाई घर किसी को नजर नहीं आता। क्या करंजी हेलो खाओ, समोसा नहीं है बेटा। हाँ हेलो, तुम भी खा रहे हो? ये ना चाय के साथ खाने बहुत ही मज़ा आया थी भाई, एक नंबर। तो गाइस चलिए देखते हैं अब्बा का गांव में दिन कैसा गुजर रहा है, तो यहाँ पर अब्बा को मैं अभी वीडियो कॉल लगाया हूँ, और चलिए अब्बा से बात करते हैं। और क्या बोल रहे अब्बा, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, भाई पहुँच गए यहाँ तुम, एक नंबर। क्या कर रहे? ये चाची के वहाँ गया था, अभी घर पे जा रहा हूँ खाना खाने। अच्छा अच्छा, अकेले है क्या रास्ते में? अब अपने घर पे आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर पहुँच गए क्या? बाकी है भी? अच्छा पहुँच गए क्या, एक नंबर। तो सड़की है या गांव है? सड़की है या गांव है? गांव वाला। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक नंबर। ये रोड वाला ना, रोड वाला घर है ना अब्बा? नहीं बाबा, गाँव वाला। अच्छा हाँ बराबर, सॉरी गांव बराबर, वो सड़की अलग है गांव अलग है, एक नंबर। मेरा भी दिल कर रहा है आने का, अभी आ रहा हूँ मैं, कूद के आ रहा हूँ।
खाना को लेके गया किसको को लेके लेके आ गए अच्छा हाँ अभी लोगों से जाके जाने सोने फिर ही आता हूँ खाना बस अभी जा रहे हैं खाना खाने ओ वहाँ पर रात में जल्दी खाना खा लेते ना आए तो शाद की लड़की देखो अरे माशाल्लाह भाई ये देखिए मेरे चाचा की लड़की है कहाँ हो गए बाबू कैसे हो कैसे हो बाबू हरान बाबू अरे बाहर दिखा रहा है बोल रहा तुम लेके क्यों नहीं जा रहे मेरे को बाहर ला और अब्बा कैसे हो सलाम तो करो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह ठंडी है कि नहीं ठंडी नहीं नहीं अभी शुरू है हल्की हल्की क्या बात करो ठंडी नहीं है गांव में मुझे लगा अभी तक कुल्फी उल्फी जम गई रहेगी अच्छा 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 चलो घर में कलर तो बहुत बेहतरीन मारे यार ये पूरा आज ही कलर मारे अंदर का हॉल का आज ही हो गया वाह वाह नाइस क्या बोले एक ही हाथ में मारना था खाली ताजा हो जाए अच्छा लगे अच्छा 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 मतलब नॉर्मली ऐसे टेंपरेरी हाथ घुमाए ना कल बाहर मारने का ये चलो ठीक है मेरे को याद कर रही कि नहीं भाई तुम्हारे कारीगर को याद कर रही कि नहीं सस्ता कारीगर चलो भाई रख दिए अब्बा ने फोन माशाल्लाह बातचीत की अब्बा से बहुत अच्छा लगा बाहर जा रहे बेटा क्यों जा रहे बाहर तुम बॉल लाने के लिए जा रहा हूँ मतलब तुम मेरे को उल्लू बना रहे हैं फालका खुद बंद करके आए मेरे को बोले देखो फालका खुला है अरहान बाहर जा रहा है तुम जाके बच्चे लोग को बचाओ क्या बोल रहे थे तुम अभी हमेशा माल लोग को ही फिक्र रहती अरे नहीं अभी तुम कुछ बोल रहे थे ना अरहान का क्या अरहान बाहर जा रहा है टकला करने है इसको अरहान से फटो जा रहा कपड़ा पहना इसको खाती मत कराओ फिर ये जो है ना सेटिंग कर दे कुछ मैं ट्रिमर से जा रहा हूँ ओके ओके तो गाइस मैंने ना ट्रिमर निकाल लिया हूँ और अब जा रहा हूँ अरहान को ना थोड़ा सी बाल की सेटिंग करने के लिए लो पकड़ो फातिमा का बाल नहीं काटेंगे क्योंकि फातिमा का ना बाल बढ़ाने का दूसरी का नहीं नहीं इधर की काटना पड़ेगा हम दूसरी काम नहीं रहती ना कंगे अच्छी नहीं अरे सही है अरे नहीं बाल नहीं बनते सही से हेलो अरु बाल काटू अरु बाल काटू बेटा हाँ यार ये कंगे अच्छी मतलब कंगे में भी फर्क होता है वो घुसी नहीं रही है बाल में चालू कंगे है ना कम में कम ट्रिमर ना अरहान को बहुत पसंद है इसलिए चुपचाप बैठ के बाल कटाएगा देखना नहीं वो तेरे ऐसा थोड़ी ना फातिमा के थोड़े कम कर दो मैं तो बोलती हूँ हाथ नहीं लगाना भी बाल को ठीक है आग बंद करो आग बंद करो अबे यार रुक जा अरे यार तू तो पागल है क्या तू तो थोड़ा सा पागल है क्या रुक आग में आ रहा है ये घर में क्यों काट रहा बता है गाइस क्योंकि ये नाई के पास बैठने वाला नहीं है बार्बर के पास बैठने वाला नहीं है इसलिए घर में काटना पड़ रहा है रुको इधर देखो लास्ट नहीं एक गुड़िया का नकली कान रहा था रुको ऐसी ऐसी बैठे रहो अबू बाल काट रहे ना हिलना नहीं है मेरा बच्चा मेरा कलेजा काट रहा अच्छा देखो इधर पे भाई पीछे काटा था ना मैंने थोड़ा अच्छे से थोड़ा अच्छे से काटो ना थोड़ा और छोटा करो हाँ थोड़ा और छोटा करो बस पक्का ना अच्छा लग रहा है कि नहीं इधर देखो आराम आराम इधर देखो अभी घने नहीं आए हैं मैंने उसको ना एक तीन दो तीन एक दो महीने में ना टकला करा दे लूंगा एकदम मस्त वापस आया फातिमा तुम्हारी बारी है तो चले भाई हमारे अरहान के तो बाल कट गए हैं और अभी कटाएंगे काटते हैं अपन फातिमा के सिर्फ हल्के हल्के छोटे करूँगा ज़्यादा नहीं फातिमा के हेलो ऐसा बैठो मेरा बच्चा नहीं मैं क्यों मारूंगा मेरा बच्चा बस अच्छे से बैठना अन्ना बता भाई हिलो मत ऐसे मुंडी रखो
सीधा सीधा रुको 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 हिलो मत मस्त क्या दिख रहा है मेरा बच्चा माशाल्लाह अच्छा दिख रहा है ना अभी आइए ही बहुत बड़े दिख रहे उसके में पीछे के ना हाँ थोड़ा आगे से कर लेना ऐसी काम की चीज लाए तुमने तो क्योंकि मेरे को दाढ़ी मच्छी काटने लगती रहती है ना इसीलिए तो फातिमा का भी बाल काट दिए हैं ये ना बहुत ज्यादा ही तड़तड़ाई है काटने के टाइम पे अब अरान जब काट रहा था ना तो पटेल ही बोले अब्बू मेरे को भी काटा मेरे को भी काटा जब इसका बाल काटा ना मैंने तो भाई जो रोना स्टार्ट करी है ये बंदी ने और देखो इतना सारा बाल यहाँ पर फैला हुआ फटाफट झाड़ू मारते हैं और क्या बोलते हैं जेंटलमैन चलो जाओ पलंग पे जाओ जाओ पलंग पे जाओ बेटा जाओ पलंग पे आगे बैठो जाओ तो चलिए गाइस अभी जो बाल वगैरह है उसको झाड़ू वाड़ू मार के उठा लेते हैं तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ अपना प्यार तो बड़े सी बनाए रखे मैं भी कभी कभार घर पे सस्ता नाई बन जाता हूँ तो बच्चे लोग के बाल मैंने ही काट दिया तो जरा इंसान लग रहे ना अभी माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा मेरा बेटा और उसको देखो फातिमा को फातिमा अच्छे लग रहे तुम चलो जरा जल्दी जल्दी फोटो खींचो एक तुम लोग दोनों इनकी